शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मेरे पति बहुत दिनों से लापता है। क्या नाम है तुम्हारे पति का? शंकर सक्सेना। इंस्पेक्टर आशा ने हमारे 5 ट्रक पकड़ लिए हैं जिसमें करोड़ों की चांदी है। लगता है तुम पर झांसी की रानी का भूत सवार है। हम पुलिस वाले कायदे कानून का इस्तेमाल तो खुल्लम खुल्ला करते हैं। कम से कम रोमांस पे चोरी छुपे कर लेने दो। वंडरफुल। दो पुलिस अफसरों का रोमांस, कल ये फोटो अखबार के फ्रंट पेज पर छप जाएगी। आकाश, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ दीदी। रोज ये वर्दी पहनकर तुम लोग बोर नहीं हो जाते? इस खाकी के अलावा भी जिंदगी में कितने रंग हैं, कितने सुर हैं, कितने ताल हैं। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा तुम दोनों ने। बस अब तुम लोग जल्दी से एक दूसरे का हाथ थाम कर साथ फेरे ले लो और हम लोगों का भी रास्ता साफ कर दो। देखो अमर, ये ठहरे उड़ते पंछी, हमें अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए देर हो रही है। चले चलो, ये लो। दोस्तों, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस साल भी इस अवार्ड फंक्शन के लिए हमारे चीफ गेस्ट माननीय मंत्री महोदय श्री अश्विनी कुमार जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वो माइक पर आएं और इस फंक्शन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, हर साल 15 अगस्त को ये अवार्ड उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को दिया जाता है जिसकी कार्य कुशलता की प्रशंसा लोग करते हैं। गांधीनगर और शास्त्री नगर पुलिस स्टेशनों के इंचार्जों के नाम मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है और हर साल की तरह इस साल भी तय कर पाना मुश्किल हो गया है कि इनाम किसे दिया जाए। इसलिए मैं
ये इनाम दोनों में बराबर बराबर बांट देता हूं। गांधीनगर के पुलिस स्टेशन की इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर मिस आशा शर्मा और शास्त्री नगर के इंस्पेक्टर श्री अमर वर्मा। ये तो होना ही था, ये आशा देवी आपके पीछे से आई और फास्ट ट्रेन की तरह आपको ओवरटेक करके अवार्ड ले गई। वरना सर जी, आप पुलिस की शान है, आन है, जान है। ये तो होना ही था, मुबारक हो सर जी, आप पुलिस की शान है, आन है, जान है। क्या बात है, जगह तो बहुत बढ़िया। पर भैया राजकुमार, अगर तेरे बड़े भाई मंत्री अश्विनी कुमार को हमारे काले धंधों का पता चल गया तो? अरे जब भैया मंत्री बने तो फिर डर काहे का, सारी दुनिया हम पर शक नहीं कर सकेगी और हम अपने दो नंबर की खाट बिछाते बिछाते चले जाएंगे। झगड़ो, क्या बात है विजय। अरे वाह, आखिर तूने शादी की खाट बिछाई ली। जीते रहो जीते रहो। सर मैं ये काम छोड़ के अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आलिया, इन्हें आजाद करो। दादो, मैंने तुम्हें खाने के लिए रोटी दी, पहनने को कपड़ा दिया, रहने को मकान दिया। याद रखो, मेरी दुनिया वन वे ट्रैफिक है, यहां आने के बाद कोई भी वापस नहीं जा सकता। छोटी सी है ये जिंदगी, पल में गम पल में खुशी। छोटी सी है ये जिंदगी, पल में गम पल में खुशी। हंसते गाते चलते जाना जीवन की राहों में। छोटी सी है
हंगामा खड़ा कर रखा है तुमने। सुमित्रा देवी का ये आश्रम सब बकवास है। समाज सेवा के नाम पर चंदा लेकर लोगों को बेवकूफ बनाने वाली इन औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो आपकी भी नजर इन गरीब बेसहारा औरतों के चंदे पर है, उन काले धंधों पर नहीं, जिनसे हमारे डिपार्टमेंट पर बदनामी के दाग लगते हैं। शट अप, आई नो हाउ टू टैकल माय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जितना आपका है उतना मेरा भी है। अपने सीनियर से बात करने की तमीज सीखो। तुम्हें मालूम है जमीन पर अश्वनी कुमार के भाई राजकुमार जी कब्जा करना चाहते हैं। बिना सोचे समझे हर मामले में तुम अपनी टांग अड़ाती हो। अन्याय के खिलाफ लड़ने को टांग अड़ाना नहीं कहते, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मंत्री अश्वनी कुमार जी किसी को भी गरीबों का हक छीनने नहीं देते। आप मेरे दोस्त होकर ऐसी हरकतें करते हैं। आपकी राज ग्रुप इंडस्ट्री में मेरा शामिल होने का मकसद समाज सेवा है, लेकिन मेरे नाम का गलत फायदा उठाकर आप लोगों ने लूट खसोट शुरू कर दी। भाई जी, लगता है कोई आपको भड़का कर हमारी खाट खड़ी कर रहा है। वरना कोई सबूत है आपके पास? सबूत? हाँ। यस सर। सुमित्रा देवी को अंदर भेजो। इन्हें पहचानते हैं ना? जी हाँ। इनकी बरसों की मेहनत के बाद सरकार ने इन्हें महिला आश्रम की बिल्डिंग बनाने के लिए एक प्लॉट दिया है, जिसे हड़प कर आप लोग फाइव स्टार होटल बनाना चाहते हैं। मंत्री महोदय, हमारी पॉलिटिक्स ये है कि आपकी पॉलिटिक्स की तारीफ देश विदेश में हो। हाँ, क्यों जी? हाँ, हाँ, हाँ। वो कैसे जगन्नाथ जी? भाई जी, जब फाइव स्टार होटल बनेगा तो उसमें फॉरेनर आएंगे। बिल्कुल। और जब फॉरेनर आएंगे तो अपने देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज लाएंगे। सही बात। और फिर वापस अपने देश जाकर आपकी तारीफ की खाट बिछाएंगे। नाम तो आप ही का होगा ना? सुमित्रा देवी को प्लॉट शहर के बाहर कहीं भी दिया जा सकता है। क्या बकवास है ये? अगर आप लोगों की माँ बहने बेसहारा हो जाए तो क्या आप उन्हें शहर के बाहर फेंक देंगे? आप तो पॉलिटिक्स जानते ही नहीं। शट अप। मैं पॉलिटिक्स जानता हूँ, लेकिन तुम लोगों जैसा गंदा पॉलिटिक्स नहीं। और हाँ, ख्याल रहे, अगर तुम लोग मुझे कहीं भी नाइंसाफी करते हुए नजर आए तो मैं अपनी दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों कुर्बान कर दूंगा। सुमित्रा देवी, आप जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस प्लॉट में महिला आश्रम की ही बिल्डिंग बनेगी। नमस्ते। नमस्कार। लेकिन भाई, आप तो हमारी खाट खड़ी कर रहे हैं। कीप क्वाइट। अगर मैं मिनिस्टर होता तो सुमित्रा देवी ही क्या
किसी के भी प्लॉट का पॉलिटिक्स नहीं चलने देता, पर तू तेरा भाई मिनिस्टर बनकर सारा पॉलिटिक्स बिगाड़ दिया क्यों जी? एक प्लॉट के बारे में तेरे भाई को पता चला तो हमें इतनी डांट पिलाई, और वो आशा की बच्ची एसीपी ये और चमचागिरी का पॉलिटिक्स घुमाती है अश्वनी कुमार के साथ क्यों जी? अब तू क्यों बोलेगा, तेरा काम तो फिट है ना, वो अश्वनी कुमार मंत्री तेरा भाई है ना? अबे भाई गया खड़ी खाट पे, समझ में नहीं आता साले के आदर्शों की खाट उतनी ही टेढ़ी जितनी कुत्ते की तुम। क्या बात है जयचंद? अनाज के जहाज फॉरेन से आ रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो हमें करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। देखा, हमारे सामने कोई खाट नहीं बिछा सकता, मैं सबकी खाट खड़ी कर दूंगा। तुम्हें वहां अकेले जाने के लिए पुलिस फोर्स किस लिए बनाई गई है? 24 घंटे तुम्हारे साथ ड्यूटी का भूत सवार रहता है। तो इसे क्यों डांट रहा है? किसी पर जुल्म होते हुए देखकर चुप तो नहीं बैठ सकती? माँ, तुम इसे समझाने के बजाय इसे सपोर्ट कर रही हो। मम्मी, पापा, आप लोग शॉर्टकट में झगड़ा नहीं कर सकते। तू बीच में मत बोल। तू मेरे साथ चल सनी, आज तेरे पापा का मूड बहुत खराब है। मैं क्या करूं अमर, मैं अपने अंदर का ज्वालामुखी रोक नहीं पाती। देखो आशा, जुर्म और कानून की लड़ाई ना कभी खत्म हुई है ना होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम हर मुजरिम को अपना जाति दुश्मन समझती हो और अपनी जान को खतरे में डाल देती हो। सच कहूं सर जी, आप पुलिस विभाग की शान हैं। अयो, अयो, थाना साहब, मेरे को बचा लो। अयो साहब, मेरे को बचा लो। हंगामा, चुन्ना, मेरे से बच को जाएगी कहाँ? साहब, ये बेवड़ा मेरे को मार डालेगा। अरे हंगामा, मुन्ना कसाई को तुम्हें बेवड़ा बोलता ही? अरे जुबान खाट को खीमा बना दूंगा। ये पुलिस स्टेशन है, तमीज से बात कर। ए पुलिस, हमको तमीज का खामेज नहीं पहनाना क्या? आए चुन्ना, ये चिपकुले के माफिक उसको चिपक का क्यों खड़ी है? देखो देखो सर, ये आइसक्रीम दादागिरी करता है। अरे तुमको क्या बताएं ना सर, ये रोज बेवड़ा पी के मेरे को बहुत मारता है, बहुत मारता है। अरे देख मुन्ना, मैं आज तेरे को बोलती, अरे मैं क्या, मेरी जुत्ती भी तेरे से शादी नहीं करेगी। अरे क्या बोल रहे तू, मेरी को जुत्ती बोली? चल मेरे को बचा लो। तू क्या देखेगा, देखेगी सारी दुनिया जब मेरी चुन्ना को जोरू बना को मैं घर को ले जाऊंगा। है मेरी पलाशा, मैं तेरे को दिल, नजर, जिगर, गुर्दा, कलेजी सब देने को तैयार, फिर भी तू बलि की बकरी के माफिक गलत की झाड़ को भागता है। चल, अरे हमारे झगड़े के बीच में नहीं आने का। अरे मैं तू शराब पीकर औरत से बदतमीजी करता है, चल अंदर। नहीं, ए? नहीं, अरे हंगामा। अरे मुन्ना अंदर, चुन्ना बाहर, कौन है रे हंगामा तू? ये तो होना ही था, एक ही पंच में आपने मुन्ना कसाई को अंदर कर दिया। मैडम जी, आप तो इस भाग की शान है, आन है, जान है। शट अप जी। हेलो मैडम, मैं शंकर सक्सेना बोल रहा हूँ। मैं जयचंद नाम के एक मुजरिम को पकड़वाना चाहता हूँ जो एक खतरनाक और देशद्रोही गिरोह से संबंध रखता है। उस गिरोह में कौन कौन शामिल है?
मैं अभी तक उनका पता नहीं लगा पाया हूँ। फिर मैं तुम्हारी इस इन्फॉर्मेशन पर कैसे विश्वास करूँ? मेरा छोटा भाई उस गिरोह में काम करता था। शादी के बाद जब उसने उस गिरोह को छोड़ना चाहा, तो उसे और उसकी दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया। एड्रेस? कौन हो तुम? पुलिस? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। मूव, अच्छा मूव, मूव। आउट, एवरीबॉडी आउट, गेट आउट। चल अंदर। मैडम जी वाह, ये तो होना ही था। मिस्टर माने जी, इसमें ड्रग के पैकेट्स हैं, कल अदालत में इसकी जरूरत पड़ेगी। ये तो होना ही था सर जी, छिपाना क्या है इसमें? आखिर इस थाने का सारा टेंशन आप ही के सिर तो है। पीजिए। ये क्या हंगामा है भाई, क्या हंगामा है? तुम्हें थाने को दारू खाना बनाता है, खंडे पे तो लिखा है एमपी, एमपी यानी महानगर पुलिस, मतलब मत पी मत पी, लेकिन तुम्हें तो इसको बना दिया माने पी माने पी। अबे बेवड़े, सर जी पिएंगे नहीं तो पुलिस स्टेशन की शान कैसे बढ़ेगी, आन कैसे बढ़ेगी, जान कैसे बढ़ेगी? तुझे चाहिए? नेक काम में पूछ पूछ, लेको आओ लेको आओ। सर जी नोट शट अप। यस सर। इंस्पेक्टर आशा, आप अदालत को ये बताइए कि आप मिस्टर जयचंद की जमानत मंजूर क्यों नहीं होने देती है? इसलिए योर ऑनर कि ये खतरनाक मुजरिम इस देश से बाहर भाग जाएगा और मैं इसके जरिए एक इंटरनेशनल गिरोह तक पहुंचना चाहती हूं। I object, Your Honor. जब तक मेरे क्लाइंट पर जुर्म साबित नहीं हो जाता, ना तो इन्हें मुजरिम कहा जा सकता है और ना ही इनकी जमानत नामंजूर की जा सकती है। मैं इस केस को सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर आशा से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। इंस्पेक्टर आशा, जैसा कि आपने अदालत में बयान दिया कि आपने जयचंद को ड्रग के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया, क्या आप बता सकती हैं कि आपके साथ और कौन था? कोई नहीं, मैं अकेली थी। वंडरफुल, यानी आप बिना किसी पुलिस फोर्स के इनके अड्डे में घुस गईं और आपने इन्हें चूहे की तरह दबोच दिया है? आपकी बहादुरी की तो दाद देनी चाहिए। आप लेडी जसवंत है या लेडी टार्जन? मिस्टर डिफेंस काउंसिल, आपके इस सवाल का मतलब क्या है? बहुत बड़ा मतलब है योर ऑनर। रस का धंधा करने वाला अपनी हिफाजत के लिए हथियारों से लैस अपने साथ गाड़ सकता है और ये उसका तनाक अड्डे पर अकेले ही पहुंच गई। ये पुलिस का अपना तरीका होता है, लेकिन ये कहकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? अपनी बात साबित करने के लिए मैं वो बैग देखना चाहता हूं जिसे जयचंद का बैग कहा जा रहा है। योर ऑनर, ये पुलिस पर शक कर रहे हैं। डिफेंस काउंसिल को सबूत मांगने का पूरा हक है, बैग हाजिर किया जाए। योर ऑनर, इस कंपनी ने इस तरह के हजारों बैग बनाए होंगे, पर ये कैसे पता चलेगा कि ये बैग जयचंद का ही है? खोल कर देख लीजिए, उसमें ड्रग्स के अलावा इसके काले धंधों के कागजात भी हैं। वही तो मैं देखना चाहता हूँ योर ऑनर। बैग खोला जाए। आपको पूरा यकीन है कि ये ड्रग्स ही है? जी हाँ। क्या आप बता सकती हैं कि एक आदमी एक बार में कितनी मात्रा ले सकता है? यही कोई 5 से 10 ग्राम। अगर यही मात्रा डबल की जाए तो जान जा सकती है। ये पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। सॉरी योर ऑनर, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मैं ये पानी पी सकता हूँ? थैंक यू योर ऑनर। ये क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट योर ऑनर। योर ऑनर, जिसे ड्रग समझा जा रहा है दरअसल में वो ग्लूकोज के पैकेट्स हैं। क्योंकि मेरा क्लाइंट दिल का मरीज है और इसे अक्सर लो ब्लड प्रेशर रहता है, इसलिए इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद ग्लूकोज देने की सलाह दी गई है। योर ऑनर,
ये है वो कागजात जिनसे ये साबित हो जाएगा कि मेरा क्लाइंट एक शरीफ और इज्जतदार बिजनेसमैन है जिन्हें इंस्पेक्टर आशा काला धंधे करने वाला व्यापारी समझ रही है। दैट्स ऑल योर ऑनर। डिफेंस काउंसिल की दलीलों और चश्मदीद सबूतों से ये बात साबित होती है कि इन पैकेट्स में ड्रग नहीं है, इसलिए अदालत जयचंद को बेगुनाह करार करते हुए बाइज्जत बरी करती है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तुम इस केस का प्रेस्टीज इश्यू क्यों बना रही हो? इसलिए कि मैं गलत नहीं हूँ। तुमने अपने हाथों से ड्रग के पैकेट्स लैबोरेटरी में भेजे थे? नहीं, अपने असिस्टेंट मानी को दिए थे। हाँ, यही यही दूसरों पे भरोसा करने का यही अंजाम होता है। हमेशा जल्दबाजी में तुम अपना काम बिगाड़ लेती हो और बाहर का फ्रस्ट्रेशन आके घर में निकालती हो। पापा मम्मी आप शॉर्टकट में झगड़ा नहीं कर सकते। चुप, तुझे बोला था ना बीच में नहीं बोलना। हेलो मैडम, मैं शंकर सक्सेना बोल रहा हूँ। जयचंद जिनके इशारों पर नाचता है वो सारे शैतानी दिमाग आपको एक जगह रंग रलियां मनाते मिलेंगे। आप फौरन रेड डालिए। पता बताओ। ब्लैक टावर वर्सोवा। ठीक है, मैं अभी वहाँ रेड डालती हूँ। एक जख्म भरा नहीं दूसरा और पैदा हो गया, जाओ जानबूझकर कूद जाओ।
सर, यही है पुलिस का इन्फॉर्मर। जमीन पर रेंगने वाले कीड़े, मैंने तुझे पर क्या लगा दिए तो उड़कर मेरी खाट खड़ी करना चाहता है। तूने मेरे छोटे भाई और उसकी दुल्हन को बेरहमी से मारा था। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। कुत्ते की मौत मरेगा तू, कुत्ते की मौत। मैं गद्दारों की खाट खड़ी नहीं करता, उसे तोड़ डालता। Cheers! ये तो होना ही था। सर जी, आइडिया दूं? आशा जी की कुर्सी हिल सकती है, बस आप चुन्ना बाई को बड़े साहब के दिल में फिट कर दीजिए, फिर हर साल अवार्ड लिए जाइए, पिए जाइए, अपनी बढ़ाए जाइए। क्या बे? शान, आन, जान। तेरी बात में दम तो है। नमस्ते आशा जी। कहिए जी, वो कौन है आप? क्या काम है? मेरा नाम मीना है, मेरे पति बहुत दिनों से लापता है। क्या नाम है तुम्हारे पति का? शंकर सक्सेना। शंकर सक्सेना? लेकिन मैं तुम्हारे पति को पहचानूंगी कैसे? ये मेरे पति की फोटो है, तुम ये तस्वीर मेरे पास रहने दो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढूंगा। जी बहुत अच्छा। वो मुहावरा तो सुना होगा, थूकने वाले को थूक कर चाटना भी पड़ता है। उसकी नौबत नहीं आएगी कचरे के डिब्बे, इसका हमसाया हमेशा इसके साथ होता है। पकड़ लो इसे। जय माता दे। आगे बढ़ाया तो सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगी। नहीं नहीं आशा, गोलियों से इसका पेट नहीं भरेगा, इसका पेट भरेगा लातों से। बता शंकर कहाँ है? बोल, बोल। ये दिल का मरीज है, ऐसे नहीं बताएगा, इसे तो अदालत वाली ग्लूकोज चाहिए। बाहर तो आने दे, फिर बताऊंगा तुझे। क्या कहा? धमकी देता साले, अगर बताएगा नहीं तो हलक में हाथ डालकर जबर खींच लूंगा तेरे। बोल, बोल। ए रुक जाओ, क्यों एक शरीफ आदमी को इस तरह पीट रहा हूं? ये शरीफ आदमी है तो फिर ये बता के इसके पास मीना कैसे पहुंचे? मुझे क्या मालूम? तुम्हें तो शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि कल तुम इस शरीफ आदमी के साथ शराब पी रहे थे। और तुम्हें तो शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि इस शरीफ आदमी को बचाने के लिए ड्रग्स की जगह ग्लूकोज के पैकेट्स किसने रखे थे? तुमने क्या पुलिस डिपार्टमेंट के सारे थानों के तवों पर रोटियां सेकने का ठेका ले रखा है? Shut up! तुमने रोटी पुलिस डिपार्टमेंट की खाता है और ड्यूटी बजाता है इन हरामियों की? तू, शर्म आनी चाहिए तुझे। अब देखती हूँ इसे कौन बचाता है। मीना की गवाही से जेल की चक्की पिसवाएगी। इंस्पेक्टर आशा,
क्या यही है तुम्हारे काम करने का तरीका? बताओ कौन है इसकी मौत का जिम्मेदार? ये सवाल आप उनसे पूछिए जिनकी शिकायत पर आपने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हें कहीं भी कभी भी हकीकत जानने के लिए बुला सकता हूँ। हकीकत तो ये है कि मीना चश्मदीद गवाह थी, मुजरिमों ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया और आप मुझे मीना के मर्डर चार्ज में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर आप जानते तो शहर में कानून मुजरिमों के हाथों एक खिलौना बनकर नहीं रह गया होता। पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत लोगों के नजर में इतनी नहीं गिरती। शराब डिपार्टमेंट का इतना ख्याल होता तो मुझे नीचा दिखाने के लिए ये उस दिन मंत्री अश्विनी कुमार जी के पास न जाती। इंस्पेक्टर आशा, लगता है तुम पर झांसी की रानी का भूत सवार है। तुम्हारे आए दिनों की हरकतों से मैं तंग आ गया हूँ, इसलिए आज से तुम्हारी जगह पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होंगे इंस्पेक्टर माने, और तुम होगी इनकी असिस्टेंट। माने जैसे घटिया अफसर के ऑर्डर पर काम करने से तो इस्तीफा देना अच्छा है। देखा देखा सर कैसे झटके से इस्तीफे पर साइन कर दिया। इसे कहते हैं वफादार पति की वफादार पत्नी। माने अगर तुमने आशा के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा। क्यों शराब हमें निशा दिखाने के लिए आप इस घटिया अफसर की तरफदारी कर रहे हैं? चलो आशा। मैं जा रही हूँ लेकिन ये मत भूलिए कि शेरनी जब घायल होती है तो और भी खतरनाक हो जाती है। मैं आप लोगों का जीना हराम कर दूंगी। यार हमें क्या पता था कि बीवियां किचन में आने के बाद इतनी खूबसूरत हो जाती हैं? पागल हो तो बाहों में आजा मेरे।
छाने लगी बेखुदी, तन भीगे मन भीगे बारिश में हम भीगे, तेरी मोहब्बत में तेरी कसम भीगे, फिर से कहो ना एक बार हम प्यार करें, यही समझाने आए हैं ना कि मेरी बहू अपना इस्तीफा वापस ले ले। जी हाँ। तो आप पहले मिस्टर सिंह को जाकर समझाइए कि बहू बेटियों के साथ कैसा सुलूक किया जाता है। आपको शायद पता नहीं, आपके भाई श्री राजकुमार ने आपके नाम का नाजायज फायदा उठाकर किसी राजग्रुप नाम की बोगस कंपनी का चक्कर चला रखा है। देश में आतंक और अत्याचार की आंधी फैला रखी है। आपके टेलीफोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके स्मगलिंग की जा रही है। आज इंसान इतना गिर गया है कि मेरा भाई आस्तीन का सांप बनकर मुझे ही डस लेना चाहता है, और उसका फन कुचलने के लिए अमर और आशा की जरूरत पड़ेगी। अगर ये दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है तो उन्हें खत्म करने के लिए अच्छे लोग चाहिए। ये दोनों मेरे बाजू हैं। और हाँ आशा, तुम्हें किसी के दबाव में नहीं आना है। तुम कल से ड्यूटी ज्वाइन करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। नमस्कार। बिठा दिया ना तेरे भाई ने उसे कुर्सी पे, खींच मारा ना खूबसूरत जवानी ने, कर दिया सारी पॉलिटिक्स का कबाड़ा। लगता है इसका भाई है विश्वमित्रा, और वो आशा भी किसी मेनका से कम नहीं। मैं तुम लोगों का ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। गद्दारों, मैं अभी हाई कमांड के पास जाकर तुम सबके नाम वारंट जारी करवाता हूँ। नहीं 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 नहीं, सुनिए 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 भाई जी, हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं की पॉलिटिक्स खेल गई। वाह, मंत्री भाई साहब तो धमकी दे गए। ये एक्सीडेंट नहीं है, दिस इज अ केस ऑफ मर्डर। वाह, लाड साहब नेताजी बन गए, वाह। और इस मर्डर के पीछे राजग्रुप का मालिक राजकुमार का हाथ है। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास? उसने जयचंद को छुड़वा लिया, मीना का कत्ल करवा दिया, तुम्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा, अपने भाई को बम से उड़ाया उसने। तुम लोगों को उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। उस भेड़िए के खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा करो, इतने सबूत ढूंढो कि वो मौत के कुएं से बाहर न निकल पाए। तू क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ श्रीमती आशा वर्मा। वाह वाह वाह, नेता बनकर उद्घाटन करने का शौक भी पैदा हो गया है। हा? लगता है मंत्री बनने का सपना देख रही हो। मैं अपनी माँ बहनों का सपना पूरा कर रही हूँ, जिस पर आपको जलन हो रही है। जलन तो तुम्हें अब ये जानकर होगी कि चंदे से बनी महिला आश्रम की इस बिल्डिंग पर राजकुमार साहब का कब्जा हो चुका है। मिस्टर सिंह, तुम्हारे चहीते मंत्री अश्विनी कुमार जी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं चाहूं तो तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हें जेल की चक्की पिसवा सकता हूं। कराओ। नेताजी, इन औरतों पर जुल्म क्यों हो रहा है? हमारा दुश्मन अजय सिंह, you
नहीं मानेंगे, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, नहीं हटूंगी। मैं बेसहारा औरतों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। मैं पुलिस ऑफिसर ही नहीं, एक औरत भी हूँ, और औरतों पर होते जुल्म नहीं देख सकती, समझे? हमारे घर के बाहर इतना बड़ा पॉलिटिक्स हो गया और हमें पता तक नहीं। आपको पता चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं। इस भ्रष्टाचार का फांडाफोड़ प्रेस को बुला के हम करेंगे, हम, समझे आप? मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रहे हैं? जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म है। सुमित्रा देवी जी, आप चाहिए, अब उस प्लॉट की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा, उसकी आंखें निकाल लूंगा। आप जाइए। नमस्ते। अरे तेरा पॉलिटिक्स क्या, खड़ी खाट पे कुछ नहीं होगा तुझसे। क्या जरूरत थी तुझे उस अमर और आशा के सामने झुकने की? वो दोनों तो हमारे राजगुरु के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। उनकी तो मैं ऐसी खाट खड़ी करूंगा कि सालों को इस धरती पे खाट बिछाने की जगह नहीं मिलेगी। जय हंगामा। काले से डर गई क्या? अरे सुनना, देख तेरा मुन्ना फिर से शादी करने को आया। Yeah.
रही मेरे 11 बच्चों की रे अम्मा। खुद पे आ जाए कुछ भी करके दिखलाए, हर छोटा घर जब पे आ जा कौन तुझे ये समझाए। हाय मेरी अम्मा ये क्या हुआ, चूहा कहाँ था ये शेर बन गया रे। मुन्ना मैं चुन्ना तू मेरा झुनझुन्ना तू, चुन्ना मैं मुन्ना तू मेरा झुनझुन्ना तू। हो जाए हंगामा ये तो होना ही था। अब तेरी चुन्ना भाई बड़े साहब की शान बन गई, आन बन गई, जान बन गई। क्या बात कर रहा है, मेरी चुन्ना मेरे को दगा दे गई। बहुत हो गया। अरे पी लो साहेब, ये शराब भी तुम्हारी और मैं भी तुम्हारी। अरे हंगामा! अयो, अरे तू इधर भी आ गया, हवाला छोड़ को। छोड़ को नहीं, तोड़ को। अरे जा जा, ये मुँह और मसूर की दाल बड़े साहब को बोल को इस बार बड़े जेल भेज दूंगी। अरे हंगामा, क्या ये बड़ा साहब हमसे भी बड़ा आशिक है? काय का आशिक रे तू, तेरे पास है क्या? बड़ा साहब को देख मेरे को कितना प्यार करता। नहीं नहीं, साड़ी लाके दिया, सोने का जेवर लाके दिया, और तू एक बेवड़ा साला मेरे साथ हाथापाई करता है, दिखा कैसे? मैं तेरे को लेकर ही जाऊंगा। ए, क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मेरी होने वाली जोरू को अपने घर में बिठा को मेरे ऊपर रोब झाड़ता है। मैं उसको लेने आया और लेकर ही जाऊंगा फिर उसको। अरे हंगामा, अरे छोड़ दे उसको। अरे हंगामा, नहीं तो मैं तेरे को काट के रख दूंगा। पकड़ो साले को और कर दो अंदर, ले जाओ इसे। अरे मुन्ना कसाई तेरे वास्ते सारी दुनिया को भेड़ बकरी के माफी काट कर रख देगा, लेकिन तेरे को छोड़ेगा नहीं। ए चुन्ना, बाहर निकल। चुन्ना की बेवफाई में मैं थोड़ा सा नशा किया तो मेरे को जेल भेजता है। दुनिया में बुरा लोगा क्या क्या खुरापता करता है मेरे को मालूम नहीं क्या? भेजो भेजो मेरे को जेल भेजो, फिर भी मैं बोलता ही मोहब्बत जिंदाबाद, चुन्ना मुन्ना जिंदाबाद। बोला मोहब्बत जिंदाबाद। ए लुंगी काय को पकड़ता है। सर, इंस्पेक्टर आशा ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर रखी है। लेकिन ये अजय सिंह कौन सी पार्टी में फंसा हुआ है? अजय सिंह भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सीबीआई भी आशा के साथ है। आप कौन बताएगा? ऐसा 25 लाख का तोहफा उसे भेज दो, देखते हैं उसकी ईमानदारी की खाट कैसे खड़ी नहीं होती। ये तो होना ही था सर जी, पैसा जिंदगी की शान है, आन है, जान है। लेकिन ये तो बताइए इन पैसों से किसकी बढ़ने वाली है? क्या शान, आन, जान। मैडम ये क्या है? पूरे 25 लाख का तोहफा कोई आपके लिए छोड़ गया है। उस कोई का नाम, पता, ठिकाना? आप आम खाइए ना, पेड़ हम गिर लेंगे। घर आई लक्ष्मी को ठुकराना अपशगुन होता है। अच्छा और क्या क्या अपशगुन होते हैं? समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है। आप जरा सा बस प्रैक्टिकल हो जाइए, फिर देखिए हम सब बहती नदियों में हाथ धो लेंगे। ये आपने अच्छा नहीं किया मैडम। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वाह मैडम जी वाह, ये तो होना ही था। आप तो पुलिस की शान है, आन है, जान है। सर
क्या बात है जजन? सर, इंस्पेक्टर आशा ने हमारे 5 ट्रक पकड़ लिए हैं जिसमें करोड़ों की चांदी है और वो किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मेरी फिक्र है, अगर इस बात की परवाह नहीं कि इस जंग में तुम्हारी जान भी जा सकती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सनी का क्या होता, माँ का क्या होता, मेरा क्या होता? तुम्हारे प्यार की ताकत जो मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। अब हंस तो मुस्कुराओ ना, प्लीज प्लीज अमर। आशा का भाई आकाश और उसकी माशूक पिंकी धड़कनों के साज पर आहा नाचती है ये जिंदगी, दोस्तों हर हर सांस में छुपी छुपी है ये सुहानी जिंदगी, वो धीरे धीरे आती है आंखों से दिल में समाती है, वो चुपके चुपके दिल का चैन चुराती है, तड़पाती है वो सारी रात जगाती है, व्हाट इज इट टिक, कैसे नाच रहे हैं? There was a guy whose name was Sly. He fell in love with a girl called Fly. Soft-spoken teenager, she was a danger. Walking on the street like a disco freak, wearing tight blue jeans, loving Billie Jeans. Rolling in money, she loved eating honey. Friends calling her cunning, but no, bunny. Naughty maybe she, but gem of a person. If you give her more honey, yeah. If you give her more honey, yeah. वो धीरे धीरे आती है आंखों से दिल में समाती है, वो कदम कदम पर रंग नए दिखलाती है, व्हाट इज इट धड़कनों के साज पर आह नाचती है ये जिंदगी, दोस्तों हर हर सांस में छुपी छुपी है ये कर दे सालों का राम नाम सत्य, धीरे धीरे आती है आंखों से दिल में समाती है, वो चुपके चुपके दिल का चैन चुराती है, तड़पाती है वो सारी रात जगाती है, व्हाट इज इट नहीं, इनकी खाट खड़ी होने का वक्त अभी नहीं आया, चलो। पापा मम्मी, आप लोग मुजरिमों को शॉर्टकट पे नहीं पकड़ सकते? बेटे ये चोर पुलिस का खेल है, हम डाल डाल तो वो पात पात, सदियों से ये खेल चलता आ रहा है और चलता रहेगा।
हेलो अमर बाबू, मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। महिला आश्रम में कुछ गुंडे घुस आए हैं, औरतों पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। आप प्लीज जल्दी चले आइए, फौरन चले आइए। ओके, मैं अभी पहुँचता हूँ। आशा, महिला आश्रम में औरतों पर कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया है, मैं अभी आया। नमस्ते। नमस्ते, कौन है आप? आशा जी हैं। अरे आप इस वक्त? मैं राजग्रुप के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, फौरन मेरे साथ चलिए। आप उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ सकती हैं। अम्मी, मैं इनके साथ जा रही हूँ। बेटे, मैं अभी आ जाऊंगी। हाँ, एक मिनट, आ जाओ, संभल के जाना। हाँ जी। दुनिया है कितनी हसी जना, अब में सजल तुम मीठे ख्वाब, मस्ती में सीखो यह जीना। जी 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 जी। आशा रानी, हमारी खाट खड़ी करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। अरे सुमित्रा जी, आप, आशा जी, इन लोगों ने मुझसे अमर बाबू को जबरदस्ती फोन करवाया। और वो बेचारा शहर में भटक रहा होगा। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम हमारी बात मान लो, वरना 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 ये तुमने इस तरह मैं सबकी खाट खड़ी कर देता। समझदारी की पॉलिटिक्स तो ये है कि हम तीनों शैतान धड़ल्ले से काले धंधे करते रहे और तुम अपनी आंखें और कान बंद करके चुपचाप तमाशा देखोगी। हर महीने तुझे खैरात भी देंगे और अपने हाथों से अवार्ड भी देंगे। अवार्ड तो मुझे मेरी मेहनत दिलवाएगी और खैरात की जरूरत तुम भिखारियों को है। अवार्ड लेने के लिए तू जिंदा रही तब ना, फिर मरने के बाद भूतनी बन के तो नहीं आएगी ना। नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा और वैसे भी तुम्हारे खून से मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, पर आप मरेंगी जरूर मगर तड़प भाई और बहनों, हमारे भाई स्वर्गीय श्री अश्विनी कुमार जी ने यह अवार्ड देने की प्रथा शुरू की थी, आज वो हमारे बीच नहीं है। इसलिए हमारे परम प्रिय नेता श्री जगन्नाथ जी से अनुरोध करता हूं कि इस फंक्शन की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। मेरी लिस्ट में सबसे पहला नाम है गांधीनगर पुलिस स्टेशन की इंचार्ज श्रीमती आशा वर्मा। अरे जब वो इस दुनिया में नहीं है तो आएगी कहां से? आगे बढ़ा गए। लगता है आशा वर्मा जी यहां मौजूद नहीं है, इसलिए ये अवार्ड उनका कोई जूनियर आकर ले जाए। हेलो, दिल
पूतनी। चार पांच अब तीन माने चार चेचन पांच मुझे तो वो कोई भूत नहीं लगती है। एक एक करके हम सबका पार्टी बिगाड़ देगी। चुप है साले चुप। कब से हमारे दिमाग की खाट खड़ी कर रहा है? अरे इतने हथौड़े गोलियां खाने के बाद क्या वो अपने पैरों पर चलकर अवार्ड लेने आ सकती है? मुझे तो वो कोई नौटंकी की वाली लगती है जिसे वर्दी पहनाकर पुलिस अब हमारी खाट खड़ी करना चाहती है। अमर की इस शाल का पता कैसे नहीं चला पाया? अबे ये कोई तेरा ऊपर से बाप गेम खेल रहा है कह रहा हूँ। सुन मेरी बात सुन, वो तो भूतनी है भूतनी, किसी दिन भी हम सबका पॉलिटिक्स बिगाड़ देगी। एक दो तीन चुप, ज्यादा गिनती गिरी ना तो तेरी पॉलिटिक्स की खाट मैं खड़ी कर दूंगा समझे। चल बैठ। जी, जी, जी। माने जी सर। तू बहुत शराब पीता है। जयचंद इस पे नजर रखना, देखता देखता हूं कि मेरी खाट के सामने साला कौन खाट बिछाता है। आपने सही पहचाना दुर्गा देवी, मैं वही हूं जिसे आपने सजा सुनवाई थी। असल में मैं सीबीए ऑफिसर संजय चौहान हूं। आइए मेरे साथ। अरे इसे क्यों अंदर बंद कर दिया? एक शरीफ लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी करते हैं आप लोग? निकालो इसे बाहर। आओ। हट। मंगला, ये दुर्गा देवी है और ये अमर है। मैंने इनके बारे में तुम्हें बताया है, तुम्हें इनके घर जाकर रहना है। मैं क्यों जाऊं किसी के घर? मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जब तक वो कमीना चंदर नहीं मिलता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मत जाओ मत जाओ, लेकिन हमारी मदद तो करोगी ना? वो तो हमने वचन दिया है, लेकिन आप भी अपना वचन याद रखिएगा कि आप उस कमीने को पकड़ के मेरे पास लाएंगे। जरूर जरूर, हम चंदर को पकड़कर जरूर तुम्हारे सामने लाएंगे। जाओ अब आराम करो, ले जाओ इन्हें। जाओ। हट। आइए। ये मंगला चंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझाता हूँ, बैठिए। ये एक बंजारन लड़की है, किसी चंदर नाम के बदमाश ने इसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसे शहर लाकर बेचने की कोशिश की। इस सिलसिले में इसके हाथों एक मर्डर भी हुआ है। इसकी और आशा की मिलती जुलती शक्ल का फायदा उठाकर मैं उस गिरोह तक पहुंचना चाहता हूं जिसने आशा का कत्ल किया है और मंत्री अश्विनी कुमार को किडनैप किया है। किडनैप किया है? मगर सर उन्हें तो बम से उड़ा दिया गया था। नहीं, वो जिंदा है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले की एक आंख पत्थर की थी, जबकि मंत्री जी की दोनों आंखें सही है। अब हमें इस बंजारन लड़की की मदद से मुजरिमों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने हैं और मंत्री अश्विनी कुमार का पता लगाना है। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ, मैं कमीना हूँ मैडम। नहीं नहीं प्लीज, नहीं नहीं मैडम, नहीं 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 नहीं। सर जी, सर जी, अरे ये क्या? जी 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 जी
ये क्या सर जी कर दिया? ये तो होना ही था। अरे सर जी, ऐसे तो आपकी शान चली जाएगी, आन चली जाएगी, जान चली जाएगी। ये, अरे ये तो होना ही था, आपको आना ही था। मैडम जी, आप इस थाने की शान है, आन है, जान है। पहले अपनी शान ठीक कर क्या, चल पागल कहीं का। देखिए, मैं इंस्पेक्टर अमर बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी इंस्पेक्टर आशा से मेरी बात कराइए प्लीज। मैडम, आपके पतिदेव का फोन। अब क्या है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हाँ हाँ नहीं करनी। मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की, तुम्हें बेटा दिया, और तुमने तुमने बदले में मुझे क्या दिया? हाँ, ये रोज रोज के ताने। तुम शक करते हो मुझ पे, तुम्हारा जी भर गया है तो तलाक ले लो। क्या हुआ मैडम? मेरा सर दर्द से पता जा रहा है। मैं आपके लिए एना से लेकर आता हूँ। मैडम, नशे के लटके झटके दिखाकर तू माने को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। मैं जानता हूं तू इंस्पेक्टर आशा नहीं, नौटंकी वाली है। आज तेरे नाटक का आखिरी सीन होगा। उतार दे इसके कपड़े। क्या कहा था तूने? सारे थानों के तवों पर रोटियां सेकने का ठेका मैंने ले रखा है, तो क्या सारे गद्दारों के तलवे चाटे का ठेका तूने ले रखा है? आराम साधे, तेरी पुलिस की नौकरी गई। बता, आशा की मौत का जिम्मेदार कौन है? आज तो मैं तुझसे सच उगलवा कर रहूंगा। बता आराम साधे, बता। नहीं, मार रहा नहीं, मार रहा नहीं। मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ अभी। ये तुम हमको कहाँ ले आए बाबूजी? ये मेरा घर है। तुम्हारा घर? पहले तुम हमको हमारे डेरे पे छोड़ दो। सुनो, छोड़ दूंगा, पहले माजी से तो मिल लो। आओ। जीवन की राम
छोटी सी है ये जिंदगी, पल में गम पल में खुशी, हंसते गाते चलते जाना जीवन की राहों में। सनी बेटे, आपकी मम्मी बहुत थकी हुई है, उन्हें आराम करने दो। तुम चलो मेरे साथ, आओ। मंगला, सनी तुम्हें अपनी माँ समझ रहा है, उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसकी माँ नहीं हो। आओ तुम्हें छोड़कर आता हूं। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। क्यों गिनती की खड़खड़ी कर रहा है? अरे भैया, चार पांच, यानी माने और जयचंद की तो पार्टी हो गई। एक दो तीन बचे, अब हम में से किसकी पार्टी? जयचंद और माने को आशा के सिवा और कोई नहीं मार सकता। भैया आशा नहीं, भूतनी, भूतनी। अरे तुम दोनों के दिमाग की तो खड़खड़ी हो गई है। ये चंदर है, इसे पहचानते हो? ये तो मंगला की तस्वीर है। क्या बकती हो, ये तो इंस्पेक्टर आशा है। हाँ, नहीं साहब, ये तो मंगला बंजारन की ही है। शादी का बहाना बनाकर मैं उसे बेचने के लिए शहर लाया था। कोई मुझे हाथ लगा के तो देखे, बोटी बोटी नोच के रख दूंगी। आज तक कोई बुलबुल मेरे पंजे से बच के नहीं निकली। मैं मेरा एक एक रुपया तेरे खूबसूरत जिस्म से वसूल करूंगा। अब तेरी सारी जवानी जेल की चक्की में पिस जाएगी। जाओ उसे पकड़ लो। अच्छा सरकार, धोखा, हम शरीफ लोगों के साथ इतनी बड़ी पॉलिटिक्स, मैं पार्लियामेंट में ये सवाल उठाऊंगा। चुप है बरसाती मेंढक। एक बार मंगला हमारे कब्जे में आ जाए फिर देखना कि मैं कैसे सबकी खाट खड़ी करता। जा रहे हो, साहब नाराज हो जाएंगे। खामोश, विशुद्धानंद के शाप से डर वरना भस्म हो जाएगा। अलख निरंजन। हे महाराज, यहाँ तुम्हारा क्या काम है?
अलग। मेरा काम नहीं, केवी का काम है मूरख, केवी का। केवी? कौन केवी? मैं किसी केवी को नहीं जानता। केवी यानी करीम बाटला, दुबई वाला। मुन्ना कसाई, तू तो जेल में था। अरे हंगामा, क्या पहचाना मेरे को? जेल में मेरे को केबी भाई का आदमी मिला और मैं उसके साथ स्मगलिंग करने को लगा। वो क्या बोलता है उसको, देखा देखी चुल्ला फूकी, करोड़ों का हेरा फेरी किया साहब, लेकिन इस बार मैं फंस गया। कस्टम ने मेरा 10 करोड़ का माल पकड़ लिया। तो मैं क्या करूं? काम करता ही तो ये 5 लाख एडवांस, और 5 लाख काम होने के बाद यकीन नहीं आता है तो दुबई में केबी से बात करा लो। जरूरत नहीं, इस बाजार में केबी के नाम का सिक्का चलता है। अच्छा। काम हो जाएगा। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या मतलब? ये सीबीआई ऑफिसर मिस्टर संजय चौहान है। ये देखो, इतना बड़ा धोखा। संतरी गार्ड्स कहां मर गए सबके साथ? चिल्लाओ मत, पुलिस और सीबीआई ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। अमर ले चलो इसे, चल। सीधे सीधे बता दो, मंत्री अश्विनी कुमार कहां है, तो इस टॉर्चर से बच जाओगे। सारी दुनिया जानती है कि अश्विनी कुमार मर चुका है। लेकिन तुम जानते हो कि अश्विनी कुमार जिंदा है, और तुम ये भी जानते हो कि वो कहां है। तुम एक फ्रॉड हो, कोई सीबीआई ऑफिसर नहीं हो। तुम लोग जबरदस्ती मुझसे कुछ नहीं उगलवा सकते, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे उगलेंगे तुम्हारे फरिश्ते भी। तू दूसरों को बर्बाद करता रहा, उनसे उनकी खुशियां छीनता रहा, मगर आज आज मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा, सब कुछ। बताओ केबी यानी करीम बाटला से तेरे क्या संबंध है? कौन केबी? मैं किसी करीम बाटला को नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुझे सब कुछ मालूम है, और तुझे ये भी बताना है कि तेरे साथी कौन है और तू किसके इशारे पे नाचता है। नहीं बताऊंगा मैं। अरे तुम मुझे जान से मार दो, नहीं बताऊंगा। हराम सादे, इस देश के राष्ट्रपति से थोड़ी सी कम तनख्वाह है तेरी। बंगला, गाड़ी और पुलिस फोर्स की सलामी से जी नहीं भरा तेरा। मौज मस्ती के लिए लाखों रुपया चाहिए तुझे। अगर हर पुलिस वाला तेरे जैसा बेईमान हो जाए तो ये देश बिकने में देरी नहीं लगेगी। बता मंत्री जी कहाँ है, बता। कोई फायदा नहीं अमर, ये आदमी हमारे डिपार्टमेंट के माथे का कलंक है। पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा करने की कसम इसने खाई थी, उसे तोड़कर मुजरिमों का साथ देने की कसम इसने उठाई है। सगने दो इसे, चलो। Thank you.
क्या सोच रहे हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हें मेरी फिक्र है, इस बात की परवाह नहीं कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सन्नी का क्या होता, माँ जी का क्या होता और मेरा क्या होता? कबूतरों की खाट नहीं खड़ी कर सके। मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मेरी पॉलिटिक्स का सत्यानाश हो गया। जयचंद तो माने तो ऊपर चले गए, अजय सिंह अंदर हो गया, उनका तो 1-2-3 हो गया, अब मेरा 1-2-4 होने वाला। जब से भूतनी आई है इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। 1-2-3 मैं 4-5। अबे साला चूहे का दिल रखता है। ये ले अगर, और सुन, जल्दबाजी में मुंह खोल के कोई भी हरकत की ना तो मैं तेरी खाट खड़ी कर दूंगा। हे भगवान, इधर इसकी पॉलिटिक्स, उधर भूतनी की पॉलिटिक्स, जाऊं तो किधर जाऊं?
हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो। पॉलिटिक्स की कसम, हमने तुमको नहीं मारा, हमारा कोई कसूर नहीं। हमको माफ कर दो, तुमको हमने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? पुलिस अपनी जान से खेलकर तुझ जैसे नेता को बचाती है, और तूने राजकुमार जैसे गद्दार से मिलकर इंस्पेक्टर आशा का खून कर दिया। क्यों, ये नेता की कुर्सी उसी ने तुम्हारे लिए खरीदी थी ना? बोल। और उसी ने अपने भाई को किडनैप किया क्या कि नहीं? आज तू अपने मुंह से सब कुछ उगलेगा, सब कुछ। सरकारी गवाह बन जा, सरकारी गवाह बन जा, नहीं तो फांसी के तख्ते पे चढ़ जाएगा। मैं बताता हूँ, बताता हूँ। सर, ये सब उस कमीने राजकुमार ने किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं अमर, जब तक मंत्री अश्विनी कुमार का पता नहीं चलता, हम उस पर हाथ नहीं डालेंगे। तुम कब तक मुझे मुद्दे से बचाओगे? जब तक तू मुझे डिफेंस की सीक्रेट फाइल के कोड नंबर नहीं बता देता और मुझे करोड़ों का फायदा नहीं हो जाता। तू मेरे शरीर से लहू की एक एक बूंद निकाल ले, मैं अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करूंगा। देख, वैसे भी तू दुनिया की नजरों में मर चुका है, मेरे साथ विदेश चल। उन डिफेंस सीक्रेट्स को हम विदेशियों के हाथ बेचकर करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं। अरे सारी जिंदगी अय्याशी घाट पर सो सकते हैं। मैं तुम्हारे शैतानी इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगा। नहीं होने देगा। अरे तू कैसे होने देगा? तू तो ईमानदारी का वो सख्त पत्थर है जिस पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं होता। चुपचाप डिफेंस सीक्रेट मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे विदेशों के हवाले कर दूंगा। और हाँ, उनके पास टॉर्चर की ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो तुझसे सच उगलवा कहीं रहेंगी। अरे अरे, तुझ जैसा कमीना मेरा भाई है, ये मेरी बदनसीबी है। माँ बाप के मरने के बाद तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, और आज तू कुत्ता बनकर देश से गद्दारी करने पर तुला है। अरे रोकता हूँ तुझ पर, रोकता हूँ। जा, आशा का भाई आकाश और पिंकी की खाट खड़ी कर दे। वो धीरे धीरे आती है, आंखों से दिल में समाती है, वो चुपके चुपके दिल का चैन चुराती है, तड़पाती है वो सारी रात जगाती है। What is it? It is my love. What is it? It is my love. What is it? It is my love. Oh,
हम सब हैं दीवाने कल का है पैमाने सारे जमाने से हम दो हैं अनजाने दुनिया है कितनी हसी जना आँखों में सजल तुम मीठे ख्वाब मस्ती में सीखो यह जीना जी के जी 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 मुझे सीबीआई वालों ने ट्रैप कर लिया था। मैं उनके टॉर्चर रूम से भागकर आ रहा हूं। उन्हें पता चल चुका है कि मंत्री अश्विनी कुमार जिंदा है। जितनी जल्दी हो सके हमें यह मुल्क छोड़कर चले जाना चाहिए। सीबीआई ने हमारी खाट खड़ी करने के लिए मिनी ट्रांसमीटर तुम्हारी जेब में रख दिया था। अब वो इसकी मदद से यहां तक पहुंच जाएंगे। तुमने उन्हें बताया क्या है? नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मेरा यकीन करो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं। अरे दोस्त क्या, खड़ी खाट पे तवाइफ के कोठे से भागी हुई लड़की और पुलिस के पंजे से भागा हुआ मुजरिम कभी बेदाग नहीं होते। कालिया नहीं, अबे साले ईमानदारी के पुतले की खाट खड़ी कर दो रोंदो घोड़े की टापों के नीचे। खड़ी करने आए थे कालिया खून डाले ने। अरे ये क्या किया? अरे हंगामा भाया, मैं मुन्ना कसाई उर्फ स्वामी विशुद्धानंद उर्फ कमिश्नर चौहान फ्रॉम सीबीआई। अपने इन घटिया लौंडों से कह दे कि अपने हथियार फेंक दे और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। आदमखोर शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिनने से पहले उसकी ताकत का अंदाजा तो लगा ले। तुम चार चूहे मेरी फौज से नहीं लड़ सकते। अच्छा, ये देख क्या है, मेरी एक उंगली दबेगी ना तुम सबके चिथड़े उड़ जाएंगे। तेरी उंगली उठने से पहले ही मेरी उंगली दब गई। Thank you.
होना ही था स्मगलर जी, अब आपकी शान की, आन की, जान की खाट जेल में बिछेगी। चलिए था सर जी, आपने मंगला जी की सजा माफ करके ये साबित कर दिया है कि आप जनता की। मैं नहीं, अमर जैसे पुलिस ऑफिसर ही जनता की शान है। शान है, शान है, शान है, आन है, जान है। छोटी सी है ये जिंदगी, पल में गम